को काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है। इस तहरीक का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाई, और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक अच्छी जमात का इंतखाब किया, जो ना सिर्फ आपको इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का जो है वो जीना है। जो न्यूज सिटी से छठे माता हुआ समंदर स्वागत का है, कौन सा की आदत में सरपरस्त आला पीरे तरीक हजरत सैयद इरफान अमीर शाह साहेब बुखारी जे वजीनत आस्थान आलिया रवातला शरीफ और जिला मीरपुर के अस्सलाम वालेकुम या सैयदी रसूलुल्लाह। स्टेज पे मौजूद मेरे कायदीन और पंडाल में मौजूद मेरे दोस्तों, वो दो साल पहले बाबा जी जब यहाँ पे आए थे, वही बज़म है, वही धूम है, वही आशकों का हजूम है कमी तो बस मेरे पीर की। दो साल पहले यही स्टेज था और कायद मौजूद थे, इसीलिए मैं आने सच्ची बात है अपना टाइम जो था वो मरकजी कायदीन को दे दिया था। अब एक ही नारा लगाऊंगा, फैसला दिलो ईमान दा, वोट तहरीके लबैक पाकिस्तान दा, ना सईद दा, ना सुल्तान दा, ना अशरफ दा, वोट उमर असगर दा। और दुनिया को बताएं कि लबैक वाले इंशाल्लाह पूरा कश्मीर रोशन करेंगे। जिस अंदाज में इनके हाथों में रोशनी है और ये रोशनी आ रही है, फैल रही है, उस रोशनी को कोई रोक सकता नहीं है। लबैक की सदाओं में बगैर साड़ के इन हाथों को हिलाते हुए पूरी आजाद कश्मीर को पैगाम दे, अब किसी की बात नहीं होगी, बात होगी तो मदीने वाले की। माशाल्लाह आपका ये जज्बा कहीं और नजर आता है जी, कहीं और नजर आता है ना, ना ये जज्बा वही जज्बा है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के सहाबा को अता फरमाया। हम तो सुनते थे पढ़ते थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद कायद मिल्लत इस्लामिया अमीर उल मुजाहिदीन मुजद्दद दौरान अमीर उल मुजाहिदीन मुफ्ती खातिम हुसैन रिज़वी ने उन जज्बात को दोबारा उजागर कर दिया। बेशुमार 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 बेशुमार। अच्छा नारा आप यूं लगाइएगा, ये देखिए उन्होंने नारा लगाया, माशाल्लाह आपका जो जवाब जो आना चाहिए ना वो बगैर थोड़ा सा साउंड को रोक देना, मैं मेरा थोड़ा आदत ये है कि ताकि इनके साउंड को भी चेक किया जाए। आपका साउंड कैसा है? आपका साउंड को मेरे पापा ने जो बुलंदी दी है ना उसकी बुलंदी कितनी है वो देखनी है। बगैर साउंड के आपकी आवाज आनी चाहिए और ऐसी आनी चाहिए ना कि आपकी आवाज आवाज ना रहे, फिर आवाज के बाद जब आप घर जाए ना तो आपकी आवाज में कुछ तब्दीली हो, आपकी आवाज में कुछ तब्दीली हो, जब बाप पूछे बेटा पूछे कोई घर वाले पूछ ले कि बताओ बेटा ये आवाज में तब्दीली कैसे, क्योंकि जिस आवाज को आप मेरे
बेटी की इज्जत के लिए बुलंद कर रहे हैं, उस आवाज को हम ये नहीं कहेंगे कि ये आवाज बैठ गई है, ये आवाज खराब हो गई है। ना ना, ये आवाज ना बैठी है ना खराब हुई है। घर में जब पूछे कि ये आवाज में तब्दीली कैसी आई है, तो बता देना ये इमरान की तब्दीली नहीं, ये खातिम हुसैन रिजवी की तब्दीली है। लब्बैक लब्बैक। हम सौंड के मोहताज नहीं, सौंड हमारा शौक है, मगर आपका जज्बा वाह 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 सुभान अल्लाह, ये वही जज्बा है, इसी को देख के लोग परेशान हो रहे हैं। और हमारे 26 साल कायद को रोक के रखा हुआ है, कैद में रखा हुआ है, क्यों भाई रोक के रखा हुआ है, क्यों परेशानी? बोले ये दहशत गर्द है, दहशत गर्द है। लगा अच्छा दहशत गर्द है, कौन सा असला हाथ में है, कौन सा असला हाथ में है, कौन सा असला हाथ में है? अरे असला तो तुम्हारा वो गंडा पीर के हाथ में था, वो दहशत गर्द नहीं है। अरे मेरे कायद के हाथ में कोई असला नहीं, मेरे कायद के हाथ में कुरान है, इस्लाम है, पैगाम हमें दीन है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीन है। अगर दीन को तुम दहशतगर्दी कहते हो तो फिर बताओ जो असला चला रहा था वो दहशतगर्द है या नहीं है? अगर दीन का नाम लेवा कलतम है तो फिर वो गोलियां चलाने वाला क्यों कलतम नहीं है, क्यों कलतम नहीं है? मैं इस जलसे की वसादत से ये पैगाम दे रहा हूं, या इमरान खान को, उनके हवाइयों को, यहूदी नसारा के एजेंडे को, अरे अगर तुम्हें कलदम करना है तो गंदा पूर को कदम आदम करो। उसने दहशत गर्दी की है, उसने दहशत फैलाई है आजाद कश्मीर में, उसने दहशत फैलाई है, सबसे पहले उसको कलदम किया जाए। अगर कलदम नहीं करना है तो फिर ये बातें मत की जाए और मेरे कायद को रिहा किया जाए, मेरे कायद को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं करोगे इस डर से कि ये आएगा फिर लब्बैक की सदाएं बुलंद होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, तुम कितना रोकोगे? ना 90 दिन रोक लिया, अब 90 दिन और रोकोगे, फिर तो बाहर आएंगे ना, फिर तो बाहर आएंगे ना, फिर रोकोगे? आएंगे तो फिर रोकोगे? आएंगे इंशाल्लाह, जब आएंगे तो सारी बातिल कुवतों को भाग के ले जाएंगे। नहीं हो सकता, हम फूल निचावर करने वालों को तुम कहते हो ये कलदम है, तो जो गोलियां चला रहा है वो क्या है? वो गोलियां चला रहे? बोला नहीं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उन पर पाबंदी लगा दी है। क्या पाबंदी लगाई है? अलग कश्मीर में वो कंपेन नहीं कर सकता। मैंने कहा ये कोई बात हो गई, इसके लिए इतनी बात है, और जो लब्बैक के नारे लगाए वो गलत है। और भाई ये बात ऐसे काबिले कबूल नहीं है, इसकी वजारत भी ले लो और इसकी पार्टी को गलत अमल भी कर दो, कर दो ना। दहशत गर्दी तो यही है, इन फूलों से कोई दहशत नहीं फैलती, इनसे फैल सकती है? नहीं। दहशत फैलती है तो असलाओं से, तो असला वाले आजाद घूमे, और जो भूल निचावर करे रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करे तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। उस जुल्म को पूरी दुनिया ने देख लिया है, ये ना इंसाफी है। नाम कहते हैं हम तहरीक इंसाफ है, मगर काम ना इंसाफी वाले, काम जुल्म वाले कर रहे हो। और बात लोगों को बेवकूफ बनाओगे, इन मुसलमानों को बेवकूफ बनाओगे कि हम इनको कलदम करेंगे, कलदम करेंगे। भाई कलदम तुम किसको, कौन सी जमात को कर रहे हो? तुम कितने हो, लब्बैक वाले कितने हैं? भाई पाकिस्तान में आओ, आजाद कश्मीर में आओ, तुम कितने हो और लब्बैक वाले कितने हैं?
तो फिर तुम इतने से होकर पूरे पाकिस्तानी अवाम को तुम कलदम करार दोगे? अरे तुम्हें तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें जो पूरे कौम से तुमने लूट का जो वोटिंग तुमने की 2018 में, जो लूट का जो दो तुमने धांधली से जमा किए, वोट जमा किए, जिससे तुमने कहा कि मैं वजीर आजम बन गया, मैं वजीर आजम बन गया, कितने वोट लिए? 1,60,065,000 वोट लिए थे, 1,65,000 वोट लिए थे, 1,65,000 वोट लिए थे, 1,70,00,000 मेरे कायदे ने अपने जनाजे में जमा किए थे। वो भी वो 1,70,00,000 वो हमारी बात नहीं है, वो तो न्यूजीलैंड की चैनल ने न्यूज़ ने बताया, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ से आवाज आई कि ये 1,70,00,000 का मजमा था। अरे वहां जाने वाले तो सिर्फ मर्द थे, खवातीन तो मौजूद ही नहीं थी, और फिर एक एक फर्द आया होगा, दो फर्द आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो आया था उसका पूरा खानदान लबैक वालों का था, पैगाम दे दिया पाकिस्तान में अगर अक्सरियत है तो लबैक वालों की है, तो अकलियत को कोई हक नहीं बनता कि अक्सरियत को कलदम करार दे। नाना आज के बाद पीटीआई इमरान तबाह अपने वजीरों के, आजाद कश्मीर की आवाज इसको ना आल करते हुए हम इसको कलदम कर देते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये एक और बात, असेंबली में जब हम ये नारा लगाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आपके जलसों में बयान कम होता है, नारा ज्यादा लगता है। पूछा है मुझसे, बोला मुफ्ती साहब आपके बयानात को, आपके जलसों को हमने देखा है, रैलियों को देखा है, बयानात कम होते हैं नारे ज्यादा लगते हैं, बयानात कम होते हैं नारे ज्यादा लगते हैं। मैंने कहा बात ये है, बयानात तो पहले भी होते थे, खतीब पहले भी थे, मुकर्रर पहले भी थे, बड़े बड़े फन के माहिर पहले भी मौजूद थे। हाँ हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई तकरीरों से, तुम्हें बयानात से कोई तकलीफ नहीं हुई, और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। याद रखिएगा, किसी नारे ने तुम्हारा काम उतारा है। आपका तो गटर लाने वाले, अगर फंड नहीं मिलेगा तो वो फंड कहां से लाएगा? बात समझ रहे हैं आप? उसका के लिए बल्दियात है, जी बल्दियात है, बल्दियात का मामला है, गटर नाले गली कूचा वगैरह वगैरह। एक मेंबर का काम क्या होता है? कानून साजी। गटर नाले अगर नहीं मिले तो वक्त फिर भी गुजर सकता है, और अगर ये कानून बन गया FATF का, पता है आपको कौन सा कानून है? जी नहीं मालूम ना? अच्छा, जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करे। FATF एक उलमा किराम से नहीं, यहां से तो वो दो तीन ही है, बाकी कोई नहीं है। क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि हमने सोचा ये कि हमें गटर नाला मिल गया ना, बस जी उम्मीदवार से हमने बड़ा काम ले लिया, हमारा रोड बन गया जी, बस सही है, हो गया। हमें कहीं से कोई टूटी फूटी रोड डाल दिए तो हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया, अब तो हमारी कोई बात नहीं है। अब हम क्या पूछे उससे कि क्या कानून साजी की है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? याद रखिएगा, FATF वो कानून है जिसमें मसाजिद को पाबंद कर दिया गया, मदारिस पर कतरन लगा दिया गया, इमाम साहब अपनी मर्जी से बयान नहीं करेगा। इमाम साहब के पास एक पर्चा आएगा,
उसी पर्चे को देख के पड़ेगा। अगर उससे दाएं बाएं गया तो फिर उस पर FIR काट दी जाएगी।